Hello everyone. Welcome you all on Anthropology Insight. Today's lecture is on the topic of tool typology and technology. Okay, I will start. Tool typology and technology. First is, what are tools? Tools are the artifacts made by man for purposeful activity. As you all know that prehistoric culture, first object made by man was tool. तो टूल से ही शुरुआत मानते हैं हम. कल्चर की जो शुरुआत हुई वो टूल से हुई, और इसीलिए अगर प्री हिस्ट्री के केस में कल्चर जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि दैट इज बाय फर्स्ट मेकिंग ऑफ टूल, मींस कल्चर ओरिजिनेट्स बाय मेकिंग टूल. ओके, तो टूल ही जो पहला ऑब्जेक्ट था जिससे कि कल्चर की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार. ओके, तो टूल्स आर द आर्टिफैक्ट्स मेड बाय मैन फॉर पर्पसफुल एक्टिविटी. तो जब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हम मानते हैं कि लोअर पैलिथिक कल्चर की शुरुआत हुई अराउंड 3.3 मिलियन ईयर्स एगो. लोअर पैलिथिक कल्चर स्टार्टेड एंड दैट इज मायो प्लायो प्लिस्टोसिन एपोक. बिफोर प्लिस्टोसिन इट वॉज, बिकॉज प्लिस्टोसिन अराउंड 2.8 मिलियन ईयर्स से वो स्टार्ट होता है, और उसके भी पहले की बात है जो प्लायो प्लिस्टोसिन एपोक के दौरान हमें जो अर्लीस्ट टूल मिलते हैं तो उस समय से माना जाता है कि टूल मेकिंग की शुरुआत हुई. पर वो टूल्स रियल में टूल्स थे कि नहीं ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि वो ईओलिस भी हो सकते थे, नेचुरली मैन मतलब नेचर के द्वारा बने हुए ऑब्जेक्ट्स ऐसा माना जाता है, क्योंकि उनमें बहुत सारी फ्लेकिंग्स और रिटचिंग्स नहीं पाए गए, इसलिए वो ईओलिस माने गए, या जो नेचर के द्वारा बनाया गया, या जिसमें कि वाटर के किनारे जैसे रॉक स्टोन्स और ये सब पड़े रहते हैं तो उनमें मीन्स ऑटोमेटिकली कुछ वर्क दिखाई देने लगता है, तो वो ईओलिस कहलाते हैं, जो सीडोलिथ भी कह सकते हैं, सीडो टूल्स भी कह सकते हैं. तो टूल्स आर द आर्टिफैक्ट्स और टूल्स आर द मैन मेड ऑब्जेक्ट्स व्हिच वर मेड बाय मैन फॉर पर्पसफुल एक्टिविटी और टू सेटिस्फाई देयर सर्टेन नीड्स. ओके, एंड आर्टिफैक्ट्स में सभी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, मींस ओनली नॉट ओनली टूल्स बट अदर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स लाइक ऑर्नामेंट्स, हर्ट्स एंड क्लॉथ्स and other objects which were used by man for various purposes. So artifacts are the man-made objects which were made by man to meet some needs, and these are extension of man's manipulative organs. So all tools are artifacts, but all artifacts are not tools. So sabhi tools artifacts kehlaye ja sakte hain, but sabhi artifacts tools nahi ho sakte. Jaise ki aapka clothes hai, ornaments hai, ya hearth hai, food objects hai, ya habitational structures hai. वो सभी जो है आर्टिफैक्ट्स है बट नॉट टूल्स. तो ऑल टूल्स आर आर्टिफैक्ट्स बट ऑल आर्टिफैक्ट्स आर नॉट टूल्स. एंड व्हाट आर टेक्निक्स? टेक्निक्स आर द मेथड्स अप्लाइड फॉर मेकिंग टूल्स और आर्टिफैक्ट्स. तो जो भी टूल मेकिंग टेक्निक्स वो कही जाती हैं जिनके द्वारा हम टूल्स बनाते हैं या आर्टिफैक्ट्स को बनाते हैं, उनको हम टेक्निक्स कहते हैं. एंड टेक्नोलॉजी इज द टोटल सिस्टम ऑफ मीन्स through which human interacts with their environment, includes tools and techniques. Okay, next is type of tools. Type of tools mein core tool, flake tool, blade tool and bladelets aate hain. These are the basic type of tools, core tool, flake tool, blade tool and bladelet tool. Core tool is the primary tool. It's the primary tool that is made by man, and it has the negative bulb of percussion. No secondary flaking can be done. It is big in size and non-symmetrical in shape. That is mostly unifacial tool.
And flake tool has a positive bulb of percussion. It has elevated bulb and numerous secondary flakings can be done on its surface, small to medium size and symmetrical. And these are mostly bifacial tools. And blade tools, these are the tools which were made during the upper Paleolithic culture. And these are the flake tools, means blade tools are also flake tools, but their length and width are specific. जो लेंथ एंड विड्थ के होते हैं उनको हम ब्लेड टूल कहते हैं. तो ये भी ब्लेड टूल ही होते हैं जो स्पेसिफिक लेंथ एंड विड्थ के होते हैं और जिसमें कि लेंथ इज इक्वल टू और ग्रेटर देन मींस इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 12 मिलीमीटर. या हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू और ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ विड्थ. अगर विड्थ 5 सेंटीमीटर है तो लेंथ क्या होगी 12 सेंटीमीटर होगी या उससे ये अधिक हो सकता है. तो ट्वाइस ऑफ विड्थ और मोर देन ट्वाइस ऑफ द विड्थ. देन ब्लेडलेट टूल्स आते हैं जहां पर विड्थ लेस देन 12 एमएम होती है एंड विड्थ इज लेस देन 12 एमएम. इन्वेंशन ऑफ टूल मेकिंग. न्यू नीड्स टू कोप एनवायरमेंटल चेंजेस रिजल्टेड इन ओरिजिन ऑफ कल्चर. इट इज मैन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन दैट लीड्स टू ओरिजिन एंड इवोल्यूशन of both human physical characteristics and socio-cultural traits. Early primates had large and sharp canines with which they used to grip objects, hunt and cut animals. Hands were used as locomotive organs as they were quadrupedal. ठीक है, तो early जो primates थे उनके canines बड़े होते थे, large and sharp canines होते थे जिसके साथ वो किसी ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने का काम करते थे क्योंकि मतलब उनके पास हैंड्स जो थे वो क्वाड्रुपिडल लोकोमोशन की वजह से वो लोकोमोशन में यूज किए जाते थे. तो ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए या किसी हंट करने के लिए किसी एनिमल को या कट करने के लिए उन्हें कैनाइंस की मदद लेनी पड़ती थी और हैंड्स को लोकोमोटरी ऑर्गन्स के रूप में यूज करते थे. क्वाड्रुपिडल्स एंड But as the environmental changes, there occurred biological changes in their body. तो जैसे जैसे environment change हुआ तो environment के साथ interaction ही नई needs जो नई needs develop हुई with the changing environmental conditions and that resulted in the origin of culture. But as environment changes, there occurred biological changes in their body. Human developed bipedal locomotion with opposable thumb in their hands. Now they can use their hands for picking or folding with power and precise and grip. Canines were no longer in use for holding and this resulted in reduction of size in the size of canines. Claws were disappeared and nails were developed in place of them. Now he can use his hands to create something. He started using raw materials from nature to fulfill his various needs and this led to the invention of tools. With time, he developed different tool making techniques. This resulted in both human's cultural progression as well as technological progression. अभी तक शायद आपके स्क्रीन नहीं शेयर हो पाई थी, ये मेरी पहली लाइव क्लास है इसलिए थोड़ा सा अभी यूज्ड टू नहीं है. तो अब आप स्क्रीन देख सकते हैं. ठीक, ओके. Is it not visible, Pranjal? Abu, I am sharing screen. Okay, Pranjal, अभी तक आपने स्क्रीन नहीं देखी है.
Is it visible? Screen is visible? Screen, is it visible? Pranjal. She is saying yes, ma'am, and Pranjal and Dinesh. No, ma'am. Still not visible, okay. Maybe there is some problem. ओके क्या मैं आगे क्लास आगे बढ़ाऊं जस इट इज रिटन टीचर इज शेयरिंग स्क्रीन ओके आई विल शेयर द पीपीटी टू यू ऑल After the class. She is saying that screen is visible to him. Okay, next, raw materials used. What are the different raw materials which were used for making tools? So first raw material that was used by man during that time, during Paleolithic period, lower Paleolithic, that was wood. So wood, pehla raw material tha, aur wooden spear ke hume pramad bhi milte hain. We have evidence of a wooden spear from Clacton on Sea, jo England ki ek site thi. वहां से हमें वुडन स्पीयर का प्रमाण भी मिलता है तो सभी साइट्स में हमें वुडन जो टूल्स नहीं मिले क्यों क्यों नहीं मिले क्योंकि वुड की जो प्रॉपर्टी होती है वो डीके कर जाता है सॉइल के कांटेक्ट में आकर तो मॉइस्चर या सॉइल के कांटेक्ट में आकर ये डीके कर जाता है और इस वजह से हमें वुडन टूल्स के प्रमाण नहीं मिलते हैं कुछ एकाध साइट से वुडन टूल के प्रमाण मिले जहाँ पर वो प्रिजर्व रह गए या किसी वजह से बचे रह गए और बाकी साइड से हमें टूल्स के वुडन टूल्स के प्रमाण नहीं मिलते हैं पैलोलिथिक कल्चर के तो और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एविडेंस देता है रॉ मटेरियल का वो है स्टोन तो स्टोन क्योंकि वो डीके नहीं हुआ टाइम के साथ फ्रॉम द टाइम ऑफ द पैलोलिथिक कल्चर मीन्स लोअर पैलोलिथिक से लेकर और अभी तक हमारे पास स्टोन टूल्स कभी खुदाई में मिल जाते हैं या म्यूजियम्स में प्रिजर्व करके हम रख सकते हैं तो स्टोन जो क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है वो खराब नहीं होता समय के साथ इस वजह से स्टोन टूल्स जो है हमें अभी भी एविडेंस के रूप में जो उस समय का कल्चर था पैलोलिथिक मींस उनका कल्चर कैसा था वो कैसे टूल्स बनाते थे और कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी में ये सारा कुछ हम स्टोन टूल्स की मदद से देख पाते हैं तो और दूसरा है थर्ड रॉ मटेरियल दैट वाज यूज्ड बाय द मैन ड्यूरिंग दैट टाइम वाज बोन तो बोन टूल्स की शुरुआत हुई सबसे पहले जो बोन टूल्स स्टार्ट करना शुरू किया उन्होंने बोन पे टूल्स बनाना मींस एंटलर आइवरी एंड लॉन्ग बोन्स पे उन्होंने टूल्स बनाना शुरू किया दैट वाज ड्यूरिंग द लेट मिडिल पैलोलिथिक एंड ड्यूरिंग द होल अपर पैलोलिथिक तो पूरे अपर पैलोलिथिक कल्चर में आपको बोन टूल्स मिलते हैं अलोंग विद द स्टोन टूल्स स्टोन टूल्स तो बन ही रहे थे मींस स्टोन टूल तो लिथिक एज तो आपको अप टू आयरन एज जो है हम कहते हैं लिथिक एज मेगालिथिक एज उसके पहले चालकोलिथिक एज और उसके भी पहले मीजोलिथिक देन अपर एंड देन लो मिडिल एंड देन लोअर तो लोअर से शुरुआत होती है लिथिक एज की और क्रिश्चियन जी थॉमसन ने इसको सबसे पहले लिथिक एज बताया था कि लिथिक स्टोन एज ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज में उन्होंने पूरे कल्चरल एज को डिवाइड किया तो इस तरह हम स्टोन क्योंकि सबसे बड़ा एविडेंस है हमारे पास प्रमाण के रूप में और इसीलिए हम पूरा जो कल्चरल एज है उसको लिथिक एज मानते हैं और इस तरह फिर नेक्स्ट बोन्स आता है जो कि अपर पैलोलिथिक में मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा बोन पे टूल बनाया गया इसीलिए उनको
bone tool culture bhi kaha jata hai, upper paleolithic culture. And the next raw material that was used that is metal. Metal ko bhi raw material ke roop mein use kiya, but during the late Neolithic period. लेट नियोलिथिक पीरियड में मेटल इन्वेंशन हो गया था और वो सबसे पहले जो है वो कुछ कॉपर लाइक मेटल्स पर वो टूल्स या कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने लगे, क्योंकि पॉटरी इन्वेंशन भी हो गया था. तो पहले अर्दन पॉटरी एंड देन कुछ दूसरे मेटल्स पर भी और ऑर्नामेंट्स बनने लगे, वेपन्स बनने लगे. तो इस तरह मेटल्स की शुरुआत हुई, एज ए रॉ मटेरियल उन्होंने यूज करना शुरू किया, और जो कि आपको चालकोलिथिक कल्चर और आयरन एज जो कि मेगालिथिक कल्चर उसमें प्रमाण मिलते हैं. तो दीज आर द रॉ मटेरियल्स व्हिच वर यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स ड्यूरिंग द पैलिथिक कल्चर, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर. देन कम्स द फंक्शन ऑफ टूल्स. फंक्शन ऑफ टूल क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले आपको क्लासेस में बताया था कि पैलियोलिथिक कल्चर में जो भी टूल्स थे, जिसमें कि पूरा ये कोर टूल्स आते हैं, चॉपर, चॉपिंग टूल्स, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, तो इसमें शुरुआत में माना जाता है कि ये हंटिंग पर्पस के लिए नहीं यूज किए गए होंगे, ये डिगिंग पर्पस के लिए यूज किए गए होंगे, या कटिंग द ट्रीज, ट्रीज के जो रूट्स थे उनको कट करने के लिए यूज किए जाते थे, और जो है डिगिंग पर्पस के लिए मीन्स सॉइल को डिग करते रहे होंगे, और हंटिंग पर्पस के लिए भी यूज करते थे. इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमको मिलता है टोरालबा एम्ब्रोना से, जो कि हमने लोअर पैलियोलिथिक कल्चर में बताया था कि एक साइट थी पेबल क्ले ट्रेडिशन की, जिसमें कि स्पेन में टोरालबा एम्ब्रोना, और जहाँ पर बहुत सारे मैमथ्स की बोन्स के साथ क्लीवर मिलते हैं, तो फ्लेक क्लीवर्स मिलते थे, और जो कि माना गया दिनेश कुछ आप पूछ रहे हैं. No, okay. हाँ. तो हंटिंग के लिए यूज किया गया होगा टूल को, इसका प्रमाण हमें टोरालबा एम्ब्रोना साइट से मिलता है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मैमथ बोन्स अलोंग विद द क्लीवर मिलते हैं. और वैसे भी जो आर्कियोलॉजिस्ट ये मींस अनुमान लगाते हैं कि इस तरह के बिग टूल्स को उन्होंने फॉर हंटिंग पर्पस यूज किया होगा, लेकिन जो वुडन स्पीयर है वही हंटिंग के लिए यूज किया जाता था, ऐसा माना जाता है कि वुडन जो वुड पे टूल बनाया गया था, जो कि क्लैक्टन ऑन सी से मिलता है हमको वुडन स्पीयर, और वो भाला जो भाला फेंकने का जो मींस टूल था, भाला की तरह वो फेंका जाता रहा होगा, और लॉन्ग डिस्टेंस में वो दौड़ते रहे होंगे एनिमल्स के पीछे, और वो उससे वो हंटिंग करते रहे होंगे, ऐसा माना जाता है. और बाकी अदर जो टूल्स थे वो कटिंग या डिगिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते रहे होंगे, जिसमें कि क्लीवर्स और हैंड एक्सेस है, पर कुछ एक प्रमाण ऐसा शो करते हैं कि नहीं, इनकी मदद से भी वो हंटिंग करते थे. दूसरे जो टूल्स जो हमें मिलते हैं मिडिल पैलिथिक कल्चर में, जिसमें कि स्क्रैपर्स आते हैं और बोरर्स ब्यूरिंस आते हैं, वो पियर्सिंग पर्पस के लिए या कटिंग या स्क्रैपिंग पर्पस के लिए या पीलिंग ऑफ स्किन के लिए यूज किए जाते रहे होंगे. देन नेक्स्ट काइंड ऑफ टूल्स आते हैं द अपर पैलिथिक टूल्स, विच आर ब्लेड टूल्स, एंड दे वर यूज फॉर कटिंग पर्पस, पियर्सिंग, स्क्रैपिंग, कार्विंग, एनग्रेविंग फॉर आर्ट मेकिंग, बिकॉज आर्ट वॉज इमर्ज ड्यूरिंग दैट कल्चर. मीन्स अपर पैलिथिक के समय ही लेट मिडिल पैलियोथिक एंड अपर पैलिथिक, पूरा पैलियोथिक अपर पैलिथिक है, उसमें आपको केव आर्ट के प्रमाण मिलते हैं. तो केव आर्ट के प्रमाण मिलते हैं, जो कि स्टैटिक आर्ट मानी जाती है, और ऑर्नामेंट्स के रूप में मोबाइल आर्ट के भी प्रमाण मिलते हैं, और वीनस फिगराइन भी तमाम साइट से मिली यूरोप के, तो उसमें भी हमको प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने आर्ट बनाया होगा, जो कि बोथ मोबाइल आर्ट एंड स्टैटिक आर्ट. ओके, तो इस तरह उन्होंने रिटचिंग के लिए या एंग्रेविंग और कार्विंग के लिए भी बोन टूल्स को इस्तेमाल किया होगा ड्यूरिंग द अपर पैलिथिक. एंड देन मीसोलिथिक कल्चर में जब हम माइक्रोलिथिक ब्लेड्स का इस्तेमाल देखते हैं, तो स्मॉल माइक्रोलिथ से कैसे कोई हंट कर पाएगा या कोई और काम कैसे कर पाएगा, ये सोचने की बात है. तो उन्होंने माइक्रोलिथ को एज इट इज नहीं यूज किया, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ माइक्रोलिथ को एक साथ एक बड़ा टूल बनाने में यूज किया, जैसे कि सिकल जो है बनाया, मीन्स हसिया बनाया होगा उन्होंने,
सिकल और फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, और वो जैसे कि एक वुडन कर्व्ड इस तरह कर्व्ड बोन या कर्व्ड वुड ले लिया होगा और उसमें छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स अटैच किए होंगे, कोई एडहेसिव मटेरियल जो उस समय प्लांट एडहेसिव्स या एनिमल एडहेसिव्स की मदद से माना जाता है कि बिटुमेन और इस तरह से उन्होंने यूज किया, और उससे छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स इस तरह अटैच करके और ये एक सिकल का रूप ले लेता है. मीन्स एक न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप ड्यूरिंग द मीसोलिथिक पीरियड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल माइक्रोलिथ्स. इसी तरह हार्पून्स जो बनाए गए थे फ्रॉम ड्यूरिंग द अपर पैलियोलिथिक एंड मीसोलिथिक में भी हार्पून्स मिलते हैं हमको प्रमाण में, और ये भी इन स्मॉल माइक्रोलिथ्स को अटैच करके दोनों साइड में बनाए गए, क्योंकि उस समय वुडन एरो का इन्वेंशन हो गया था. मीन्स ड्यूरिंग द मीसोलिथिक वुडन एरो यूज हो गया था, जबकि अपर पैलियोलिथिक में वुडन एरो नहीं मिलता है, तो वुडन बो एंड एरो इन्वेंशन हो गया था. लेकिन इसमें क्या है, वुडन बो तो था पर जो एरो के लिए उन्होंने या हार्पून के लिए उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स यहाँ पर अटैच कर दिए थे बाय यूजिंग सम मटेरियल्स एंड देन दे यूज्ड एज ए बिग टूल. तो ये टूल के रूप में, तो ये हंटिंग टूल के रूप में उन्होंने बो एंड एरो टेक्निक का इस्तेमाल किया. इसमें इस तरह के उन्होंने टूल्स बनाए. ये क्लियरिंग फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, ग्रासलैंड्स को क्लियर करने के लिए ही उन्होंने इस तरह के टूल्स बनाए होंगे. देन अच्छा प्रांजल, नाउ इट इज विजिबल, ओके वेरी गुड. देन नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर में भी टूल्स का फंक्शन हुआ ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज. एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई दैट वॉज ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड. तो नियोलिथिक पीरियड के समय भी एक्सेस, एजेस और सिकल्स इस तरह के टूल्स उन्होंने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किए. तो दीज आर द वेरियस फंक्शन ऑफ टूल्स फ्रॉम पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक कल्चर. ओके नेक्स्ट इज टाइप ऑफ टूल्स. जैसा कि मैंने पहले बताया कि चार मेन टाइप ऑफ टूल्स थे ड्यूरिंग द होल पैलियोलिथिक कल्चर टू नियोलिथिक कल्चर, मींस पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक. कोर टूल्स जिसमें कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सम कोर टूल्स, जिसमें कि हम लोअर पैलियोलिथिक में पढ़े हैं कि चॉपर टूल, चॉपर चॉपिंग टूल ट्रेडिशन माना जाता था. लोअर पैलियोलिथिक कल्चर इज ऑल्सो नोन एज चॉपर चॉपिंग टूल ट्रेडिशन. तो जिसमें कि चॉपर टूल जो है यूनिफेशियल टूल था. ओके चॉपर टूल यूनिफेशियल, चॉपिंग टूल बाईफेशियल, टू टाइम्स बाईफेशियल. तो चॉपर क्या था, यूनिफेशियल टूल था, और चॉपिंग टूल बाईफेशियल. मींस दोनों ही कोर टूल हैं पर चॉपर यूनिफेशियल है, ऑन वन साइड ऑन वन सरफेस ओनली देयर इज फ्लेकिंग इज डन. ओके and while on the chopping tool both sides of tool both surfaces mein wahan pe flaking ki gayi hai. then abelian hand axes bhi, ye bhi aate hain core tools mein, jo big size large size hand axes hote the. clactonian tradition hai wahan par. ha okay हाँ, जैसा कि हम यहाँ पर मान लीजिए ये कि स्टोन है. ओके स्क्रीन इज विजिबल, इज स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल. ओके तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टोन है. कैसे उन्होंने टूल्स बनाए होंगे शुरुआत में, तो पहले एक उन्होंने एक बिग स्टोन या रॉक का कोई एक टुकड़ा लिया होगा और उसमें उन्होंने क्योंकि उनमें शुरुआत में उनको उस इतनी टूल मेकिंग में वो एडवांस नहीं थे, उन्होंने अभी भी शुरुआत की. तो जब कोई हम शुरुआत करते हैं तो वो क्रूड फॉर्म में होता है. तो इस तरह उन्होंने टूल्स पे कुछ जहाँ पर स्टोन हैमर टेक्निक या फ्री फ्लेकिंग टेक्निक से कुछ प्रहार किया होगा और एक रफ काइंड ऑफ टूल बन गया होगा जिसको हम कोर टूल कहते हैं, और यही बना चॉपर टूल, यही टूल बना चॉपर टूल. ओके
नेक्स्ट वो चॉपिंग टूल बनाए होंगे, तो यहाँ पर अगर वन सरफेस पर ही उन्होंने फ्लेकिंग की तो चॉपर रह गया, और अगर बोथ सर्फेसेस पे अगर फ्लेकिंग की और अल्टरनेट मैनर पे की, मीन्स एक छोड़कर, मीन्स यहाँ पर अगर वो डीप स्कार्स बन गया तो यहाँ छोड़कर फिर डीप स्कार्स, तो इस तरह अल्टरनेट मैनर पर, और बाईफेशियल मीन्स इस सर्फेस पर उस सर्फेस पर दोनों पे आपको फ्लेक्स दिखाई देंगे, तो देन इट इज चॉपिंग टूल. द चॉपिंग टूल इज बाईफेशियल व्हाइल चॉपर इज द यूनिफेशियल, बट बोथ आर द कोर टूल्स. इसी तरह हैंड एक्सेस उन्होंने पहले बनाए, तो शुरुआत में तो उन्होंने प्रोटो हैंड एक्सेस बनाए होंगे, प्रोटो हैंड एक्सेस बनाए होंगे. इरेज कर देते तो जैसा कि हमको क्लेक्टोनियन ट्रेडिशन में भी प्रोटो हैंड एक्सेस मिलते हैं, और वो कोर टूल ही थे, ये चॉपर चॉपिंग टूल ही थे, जिसमें कि बट एंड बहुत, ये बट एंड किसी भी टूल का ये जो नीचे वाला एंड होता है इसको हम बट एंड कहते हैं. दिस इज नोन एज बट एंड. ओके, एंड दिस इज द एंड, वर्किंग एंड, और यहीं पर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं, वर्किंग एंड और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है. ठीक है, तो बट एंड जो होता है इसमें चौड़ा होता है, यू और वी शेप होता है, यू और वी शेप बट एंड होता है, और ऊपर पॉइंटेड वर्किंग एंड. जब तो टुवर्ड्स प्रोटो हैंड मीन्स हैंड एक्सेस की तरफ जब हम पढ़ने लगे, तो जो मैक्सिमम विड्थ पहले होती थी चॉपर चॉपिंग टूल की वर्किंग एज पर, जैसा कि हम कोर टूल में देख चुके हैं, यहाँ मैक्सिमम विड्थ होती थी नीचे से यहाँ तक पूरा. लेकिन अब हम जब जैसे जैसे हैंड एक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो स्टोन को हमने वर्क करना शुरू किया और दोनों लेटरल बॉर्डर्स टुवर्ड्स अपर एंड वो पॉइंटेड होते जा रहे हैं, तो इतना स्टोन हमने हटा दिया, तो अब हमें हैंड एक्स लाइक स्ट्रक्चर मिलने लगा. ओके, तो हैंड एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स मिलने लग गए. तो हैंड एक्स पहले तो हैंड एक्सेस बिग साइज के हैंड एक्सेस होते थे, जो कि एबिबिलियन ट्रेडिशन के समय हमको बिग साइज ऑफ हैंड एक्सेस मिलते हैं, लेकिन जब एचुलियन ट्रेडिशन की तरफ बढ़ते हैं तो स्मॉल टू मीडियम साइज ऑफ हैंड एक्सेस, जिसमें लिमांडे, माइकोकिवान और ओवाइड और इस तरह के तमाम हैंड एक्सेस मिलने लगते हैं. ओके, देन आता है क्लीवर. क्लीवर इज ऑल्सो कोर टूल एंड बट इट इज कॉल्ड बाई बोर्ड्स एज फ्लेक क्लीवर. इट इज कॉल्ड एज फ्लेक क्लीवर, एंड ये कोर टूल और फ्लेक टूल दोनों में आता है, जैसे कि हैंड एक्सेस भी आपके कोर टूल एंड फ्लेक टूल दोनों में ही आते हैं. तो क्लीवर की खासियत क्या होती है कि एक तो पैरेललोग्राम क्रॉस सेक्शन होता है, दूसरा इसका जो ऊपर का वर्किंग एंड होता है ये ट्रांसवर्स एज होता है, मीन्स स्ट्रेट लाइन होती है, मीन्स टू लेटरल बॉर्डर्स यहाँ पर पॉइंटेड एंड ना होकर यहाँ पर स्ट्रेट एंड होते हैं, मीन्स एक लाइन दोनों एंड को मीट कराती है. ठीक है, तो ये क्लीवर होता है, इज अ क्लीवर. तो ये फ्लेक क्लीवर्स जो है सबसे पहले हमें मिलते हैं पेबल फ्लेक ट्रेडिशंस में, जहाँ पे टोराल भाई मरोना और इस तरह की साइड्स में, लेकिन बाद में भी ये हमको मिडिल पैलेथिक तक हमको क्लीवर्स मिलते हैं. ओके, तो दीज आर द टूल्स ऑफ लोअर एंड मिडिल लोअर पैलेथिक. देन मिडिल पैलेथिक में आते हैं तो स्क्रैपर्स, यही जो हैंड एक्सेस हैं इन्हीं को और भी मीन्स और फर्दर फ्लेकिंग्स एंड रिटचिंग्स कर करके इनको छोटा बनाया गया, और इनमें न्यूमरस फ्लेकिंग्स एंड रिटचिंग्स ऑल अराउंड देयर बॉर्डर वाज मेड, दैट इज नोन एज साइड स्क्रैपर. साइड स्क्रैपर सिंगल साइड स्क्रैपर भी हो सकता है, इसमें एक साइड में फ्लेकिंग कर रहा है, अगर एक साइड में लेटरल बॉर्डर में फ्लेकिंग है देन इट इज सिंगल साइड स्क्रैपर. एंड व्हेन बोथ साइड ऑफ बॉर्डर्स आर फ्लेक्ड और रिटच्ड देन इट इज डबल साइडेड साइड स्क्रैपर. ओके, these are the two types of side scrapers. End scraper क्या होता है, जो कि core tool होता है, जैसा कि हमने सबसे पहले होता है core tool. Core tool is also end scraper because here one end is used for scraping purpose or cutting purpose. And in scraper, in end scraper also there is one end which is used, whether it is upper end or lower end. And some end scrapers it is both ends. Both ends. तो साइड स्क्रैपर में लेटरल बॉर्डर्स या साइड्स को हम फॉर द पर्पस ऑफ कटिंग या स्क्रैपिंग यूज करते हैं, बट इन एंड स्क्रैपर्स बोथ अपर एंड लोअर एंड्स और आइदर वन एंड इज यूज्ड फॉर कटिंग और स्क्रैपिंग पर्पस. ओके,
Then these are the scrappers which were made during the Middle Paleolithic period. So these are the tools of Middle Paleolithic culture. Then other tools of Middle Paleolithic culture, जिसमें कि ब्लैक स्पीजन आता है जो कि एक बिग लीफ से पॉइंट था जो कि बाद में अपर पैलोथिक में थोड़ा सा लॉन्ग नैरो और इसमें लीफ पॉइंट में चेंज होता है विलो एंड लॉरल लीफ में. तो शुरुआत में जब मिडिल पैलोथिक कल्चर में देखते हैं ब्लैक स्पीजन जो है वो लीफ पॉइंट होता है ब्लैक स्पीजन. ओके so this was the leaf point during the middle paleolithic but these are the leaf points during the upper paleolithic aur ye hai laurel and willow leaf. okay laurel and willow leaf so laurel and willow leaf jo small long leaf points the aur ye bahut bada flat leaf point hai jisko we flat season kehte hain and these are also made on flakes and blades means yahan par to flake tool mein milega lekin upper paleolithic mein aap jayenge to yahan par blade tool ki shuruaat ho gayi hai. to blade tool ki khasiyat kya hai jaisa ki maine pehle hi bataya ki flake ko hi blade kehte hain but specific shape and size means equal to or more than agar length jo hai equal to or more than 5 cm hai then and width is मोर देन और इक्वल टू 12 mm है या लेंथ इज ट्वाइस ऑफ विड्थ है इक्वल टू और ट्वाइस ऑफ मोर देन ट्वाइस विड्थ है देन इट इज ब्लेड टूल. ओके तो नाउ द टूल्स आर मेड ऑन ब्लेड्स तो ब्लेड्स पर बनने लगे अपर पैलोथिक टूल्स और इसमें स्क्रैपर्स और ये जो अभी मैंने बताया कि ब्लैड सीजन ये तो अभी मिडिल पैलोथिक टूल्स थे फिर बैक ब्लेड नाइफ भी बनने लग गई बैक ब्लेड नाइफ जिसमें कि इस तरह लेटरल बॉर्डर्स को रिटचिंग की जाती थी कि एक शेप में थोड़ा सा ब्लंटेड एंड होता था और दूसरा शार्प एंड होता था तो शार्प एंड से कटिंग के लिए यूज करते थे और एक हाथ मतलब एक जो है बैक ब्लेड इसीलिए इसको कहा गया क्योंकि इसमें कुछ न्यूमरस रिटचिंग्स या बैकिंग की गई है और इसीलिए इसको बैक ब्लेड कहते हैं और यही बैक ब्लेड जो मिडिल पैलोथिक की थी यही पेन नाइफ ब्लेड में चेंज हो जाती है पेन नाइफ ब्लेड जो कि चेटलपरोनियन ट्रेडिशन जो कि ये अपर पैलोथिक में चेटलपरोनियन ट्रेडिशन आता है पेरिगोडियन पेरिगोडियन में चेटलपरोनियन और ग्रेविटियन दो ट्रेडिशंस होते हैं तो चेटलपरोनियन में पेन नाइफ ब्लेड्स आपको मिलती हैं लीफ पॉइंट्स कुछ ग्रेविटियन पॉइंट्स मिलते हैं और चेटल तो यही जो बैक ब्लेड नाइफ थी यही नाइफ पॉइंट या पेन नाइफ ब्लेड में चेंज हो गया ग्रेविटियन पॉइंट में चेंज हो गया ड्यूरिंग द अपर पैलोलिथिक तो इस तरह के कुछ टूल्स हमें मिले देन कुछ जब हम अपर पैलोलिथिक की बात करें अगर मिडिल पैलोलिथिक से आगे अपर पैलोलिथिक की बात करें तो इसमें यहाँ पर ऑरिग्नेशियन ब्लेड्स भी हैं ऑरिग्नेशियन ब्लेड्स जिसमें कि ऑल अराउंड आपको इस तरह की लंबी ब्लेड मिल जाएगी और इसमें रिटचिंग जो है ऑल अराउंड इट्स बॉर्डर की गई है और यही पर अगर स्ट्रैंगल्ड कर दिया जाए दोनों साइड में इस तरह लगेगा कि इसको मैंने यहाँ पे इस तरह हटाया गया है स्टोन इस तरह वर्क किया गया है स्टोन में कि ये लगता है कि बीच से किसी ने इसको कस दिया है और इस तरह का जो ब्लेड बन जाता है उसको स्ट्रैंगल्ड ब्लेड कहते हैं और इस तरह का एक ब्लेड स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये स्ट्रैंगल्ड ब्लेड हो गया इसी तरह टैंग्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं टैंग्ड पॉइंट्स या शोल्डर पॉइंट्स भी कह सकते हैं वन शोल्डर मिलता है तो इसको वन शोल्डर मिलता है या डबल शोल्डर भी मिलते हैं तो टैंग पॉइंट्स इस तरह के टूल्स भी हमें मिडिल पैलोथिक एंड अपर पैलोथिक दोनों में मिलते हैं बोथ ऑन फ्लेक्स एंड ब्लेड्स then other tools which were made both on flakes and blades during the middle and upper paleolithic are borers and burins so borers and burins mein borer mein kya hota hai borer ki khasiyat ye hoti hai ki wo piercing ya digging purpose ke liye bhi use kiya jata raha hoga ya hole banane ke liye use kiya jata hoga jisme ki do lateral borders ko is tarah incurving ki gayi hai is tarah chhata gaya ki yahan par ek pointed end upar ki taraf dikhai deta hai ye borer ke roop mein use kiya gaya hoga later late means upper paleolithic ke samay multiple borers banane lag gaye wo jisme ki all around the jo core tha ya flake tha usme bahut sare jo hai incurved borers banane lag gaye
और इस तरह का कुछ मल्टीपल बोरर जैसा स्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया। इस तरह ब्यूरिन्स भी आते हैं, ब्यूरिन्स में भी नोएल्स ब्यूरिन और नोएल्स मीन्स ब्यूरिन में क्या होता है कि ट्रांसवर्स एक एज कटिंग एज होता है और इसको ब्यूरिन कहते हैं। देन जो है पैरेट बीक ब्यूरिन भी मिलता है जिसमें कि पैरेट की बीक की तरह कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है स्टोन पर, तो पैरेट बीक ब्यूरिन कहते हैं। और बस ब्यूरिन होता है, तो इस तरह ब्यूरिन्स आ जाते हैं, बोरर्स आ गए और इस तरह तमाम टूल्स बन जाते हैं। देन वी कम टू एपिपैलिथिक और मीसोलिथिक कल्चर। और एपिपैलिथिक या मीसोलिथिक कल्चर में हमको स्मॉल माइक्रोलिथ्स मिलते हैं जो कि हम ब्लेडलेट्स कह सकते हैं, ब्लेडलेट्स। तो ब्लेडलेट्स जो कि ब्लेड्स और ब्लेडलेट्स दोनों पर बनाए गए माइक्रोलिथ्स, ये नॉन जियोमेट्रिक भी होते थे और जियोमेट्रिक भी होते थे। तो ज्योमेट्रिक एंड नॉन ज्योमेट्रिक बोथ काइंड ऑफ ब्लेड्स एंड ब्लेडलेट्स वेयर ब्लेडलेट्स टूल्स वेयर मेड ड्यूरिंग द मीसोलिथिक कल्चर और एपिपैलिथिक कल्चर, जिसमें फेडरमेसर, हैम्बर्गियन कल्चर, एरेंसबर्गियन कल्चर आता है। और अभी जब मीसोलिथिक कल्चर की बात करेंगे तो एजीरियन कल्चर एंड मैग्लिमोइसियन टार्डिनोइसियन कल्चर। तो इन सभी कल्चर में आपको माइक्रोलिथिक ब्लेड्स जो जैसा कि मैंने पहले बताया सिकल्स में यूज करते थे, माइक्रोलिथ्स या हारपून्स में यूज करते थे, तो इस तरह उन माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसमें ट्राइंगल्स है, ट्रेपीजियस बनाना उन्होंने शुरू किया जिसमें दो पैरेलल बॉर्डर्स और ये दो अनपैरेलल बॉर्डर्स हो सकते हैं लेकिन दो पैरेलल बॉर्डर रहना जरूरी है इसमें ट्रेपीजियस में। तो ट्रेपीजियस या ट्रेपीजॉइड कह सकते हैं, ल्यूनेट्स जो कि सेमी सर्कुलर ल्यूनेट्स। तो इस तरह की ज्योमेट्रिक या रेक्टेंगल्स छोटे छोटे, तो इस तरह उन्होंने ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स एंड नॉन ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स बनाने शुरू किए ड्यूरिंग द मीसोलिथिक कल्चर। एंड दीज आर मेड ऑन बोथ ब्लेड्स एंड ब्लेडलेट्स। तो ब्लेडलेट्स की खासियत क्या होती है कि ये इनकी जो विड्थ होती है वो लेस देन 12 mm होती है, जबकि ब्लेड में 12 mm इक्वल टू 12 mm या मोर देन 12 mm होना चाहिए विड्थ। ओके, नाउ कम टू नियोलिथिक कल्चर। और नियोलिथिक कल्चर में यही एक्सेस एंड एजेस जो हमने अभी लोअर पैलिथिक से मिडिल पैलिथिक में एक्स बनाया था, तो यही एक्स को उन्होंने मेटल पर बनाना शुरू किया और वुडन हैंडल पर इसको हाफ्टिंग करने लग गए। तो जो हाफ्टिंग की शुरुआत हुई मीसोलिथिक कल्चर से शुरू हुई थी और फिर वो नियोलिथिक आते आते उन्होंने मेटल टूल्स को हाफ्ट, जैसा कि अभी भी हमको प्रमाण मिलते हैं जो एग्रीकल्चर टूल्स होते हैं जैसा कि खेती में यूज किए जाने वाले टूल्स को आप देखते होंगे कि कुछ वुडन हैंडल्स पर कुछ मेटल को फिक्स करके बनाया जाता है। तो इस तरह तमाम हैंड एक्सेस जो हैंड एक्सेस कहे जाए गए वो एक्स जो कि हाथ से यूज किए जाते थे ड्यूरिंग द अपर पैलिथिक, बट हियर दीज आर कॉल्ड एज एक्स बिकॉज दीज आर यूज मीन्स हैंड नहीं, यहाँ पर एक हैंडल आ गया, अब इस हैंडल को पकड़कर इसको यूज किया गया, डायरेक्ट इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, तो ये एग्रीकल्चर पर्पजेस में यूज किया जाने लगा। आप सभी को यह स्क्रीन दिख रही है, जो भी हम बता रहे हैं क्लियर है आप सबको? इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, तो एक्सेस एजेस इस तरह के टूल्स और सिकल्स इन सब का शुरुआत हुआ ड्यूरिंग द अपर पैलिथिक पीरियड। पर यहाँ पर जो टेक्निक है वो पॉलिशिंग ग्राइंडिंग हो जाएगी, मीन्स पॉलिश्ड टूल्स है, मीन्स अगर स्टोन को भी यूज करते हैं तो पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग टेक्निक से उन्होंने इसको डेवलप किया। तो टूल्स जो कि ऑलरेडी यहाँ पर स्टोन एक्स बना हुआ है इसी को इन्होंने पहले ग्राइंड किया, मीन्स किसी बड़े स्टोन स्लैब पर पानी छिड़क छिड़क कर उन्होंने उसको पहले घिसा, जैसा कि हम लोग सिल में घिसते हैं कोई चीज, स्टोन घिसेंगे तो वो शार्प होता जाएगा उसका एज, या कोई भी चीज घिसते हैं तो शार्प होता, इसी तरह उन्होंने क्या किया इसको घिसा पहले स्टोन एक्स को या किसी और टूल्स को जिसमें कि रिंग बोलास और ये सब उन्होंने बनाया। तो इस तरह उन्होंने क्या किया पहले उसको हाफ्टिंग माइक्रोलिथ्स आर मैम इन हाफ्टिंग माइक्रोलिथ्स आर अटैच्ड, यस यस इन हाफ्टिंग माइक्रोलिथ्स आर अटैच्ड।
For the first time, hafting technique was used during the late Upper Paleolithic and Mesolithic culture. During the whole Mesolithic, you can find the hafting technique used on various for making various tools with the help of microliths. And then in Neolithic also, this hafting technique is used for fixing large stone or metal tools on the wooden handle. In Mesolithic, both wooden and bone handle पर वो use किए जाते थे, लेकिन Neolithic में आपको ज्यादातर प्रमाण मिलेंगे wooden handle पर use किए जाते हैं, और आज तक हम ऐसे tools पाते हैं जो agricultural purposes के लिए use किए जाते हैं. तो इस तरह ये variety, various kind of tools which were made during the whole upper whole Paleolithic culture, Mesolithic culture, Neolithic culture, and also during the late Chalcolithic and Iron Age. और अभी भी present में इसमें तमाम agriculture tools या forest clearing tools ये अभी भी use किए जाते हैं. Then और bow and arrow जो उस समय use किए जाते थे Mesolithic culture या Upper Paleolithic culture में, वो भी अभी तमाम tribal communities ऐसी हैं जो अभी भी bow and arrow technique को इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि बिरहोर्स हैं या पहाड़ी कोरबा ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़, बिरहोर्स एंड अदर पीबीटी जैसे बैगाज हैं, इस तरह के भी ट्राइब अभी भी इनको यूज करते हैं बो एंड एरो टेक्निक को, बर्ड हंटिंग में इस्तेमाल करते हैं. तो इस तरह ये दीज आर द वेरियस टूल्स. देन कम टू द टेक्निक्स. तो ये तो अभी मैंने बताया कि कोर टूल्स जिसमें कि चॉपर, चॉपिंग, एबिविल एंड एंडएक्सेस एंड ये आते हैं. इज इट विजिबल? स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल? आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? ओके. वाइड स्क्रीन नहीं, पीपीटी की स्क्रीन दिख रही है? ओके. तो कोर टूल्स, प्लेट टूल्स, ब्लेड टूल्स एंड ब्लेडलेट्स, जैसा कि अभी मैंने बताया आप सभी को. तो ये इवोल्यूशनरी स्टेजेस शो कर रहा है कि ड्यूरिंग द अर्ली पैलोथिक कल्चर टू कोर टूल्स वेयर मेड. देन कम टू द प्लेग टूल्स जो कि मिडिल पैलोथिक कल्चर और अपर में आपको दिखते हैं. एंड अपर पैलोथिक में आपको मोस्टली ब्लेड टूल्स दिखते हैं, ब्लेड एंड ब्यूरिन कल्चर या बोन टूल कल्चर भी कहते हैं इसीलिए अपर पैलोथिक को. तो इस तरह कोर से फ्लेग एंड देन फ्लेग से ब्लेड, ये पूरा टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी में कैसे एडवांसमेंट हुआ, जो उस समय के मानव थे उन्होंने कैसे अपनी टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की, और इसी टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनका कल्चर और मींस भी प्रोग्रेस करता गया. तो टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस के साथ साथ उनका कल्चर भी प्रोग्रेस करता गया. ओके. These are the various kind of tools, जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया, chopper, chopping tool, handles, cleavers and various kind of upper Paleolithic tools, bone points, scrapers, knife blades, etc. Then tool making techniques. First technique is, अभी भी ये white show कर रहा है आप लोग को, किस screen दिख रही है? आपको tool making techniques screen दिख रही है? White. Okay. Screen is showing. Okay. Blank screen. Blank screen is showing.
शुरू करते हैं। यहाँ पे तो शो कर रहा है कि स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके टूल मेकिंग टेक्निक्स। फर्स्ट टेक्निक इज डायरेक्ट परकशन, अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल परकशन टेक्निक आती है। तो डायरेक्ट परकशन में टू टाइप्स ऑफ टेक्निक आती है। अभी भी स्क्रीन नहीं शो कर रहा है आप लोग को? There is any problem? Okay, मैं स्टार्ट कर रही हूँ टूल मेकिंग टेक्निक से। डायरेक्ट परकशन टेक्निक एंड इनडायरेक्ट परकशन टेक्निक। तो डायरेक्ट परकशन टेक्निक जो कंट्रोल अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल परकशन दोनों टेक्निक्स आती हैं इसमें। तो इसमें जो है आप लोग लिख सकते हैं, बाद में ये पीपीटी हम शेयर कर देंगे। ओके ओके तो फर्स्ट इज डायरेक्ट परकशन टेक्निक, जिसमें कि दो काइंड्स ऑफ टेक्निक्स आती हैं, अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड। तो अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड, पहला है स्टोन हैमर टेक्निक। फर्स्ट इज स्टोन हैमर टेक्निक, ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक सेकेंड टेक्निक। ठीक है, अभी हम उस पर चले जाते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाई देगा। व्हाइट बोर्ड पे चले जाते हैं, उसमें आपको हो सकता है शो करे। आई एम शेयरिंग व्हाइट बोर्ड। ओके, तो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, पहला जो टेक्निक है दैट इज डायरेक्ट परकशन टेक्निक, डायरेक्ट परकशन टेक्निक। और डायरेक्ट परकशन टेक्निक में बोथ कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड टेक्निक आ सकती है, बोथ कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। तो डायरेक्ट परकशन टेक्निक टू टाइप्स, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। तो पहले जो टेक्निक उन्होंने बनाई वो कंट्रोल्ड, वो अनकंट्रोल्ड टेक्निक थी। ओके, अनकंट्रोल्ड थी। क्यों अनकंट्रोल्ड थी? क्योंकि उनकी टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी। अभी अभी उन्होंने टूल्स बनाना शुरू किया था, तो उन्हें मालूम नहीं था कि कैसे हम विद कंट्रोल टूल बना सकते हैं। तो शुरुआती टेक्निक्स जो थी वो क्या थी? डायरेक्ट थी और अनकंट्रोल टेक्निक थी। लेकिन जो बाद की टेक्निक्स उन्होंने डेवलप की वो क्या थी? कंट्रोल्ड और डायरेक्ट, दोनों थी, डायरेक्ट एंड कंट्रोल्ड। ओके, तो इस तरह उन्होंने टूल मेकिंग टेक्निक्स डेवलप की। तो पहली जो अनकंट्रोल टेक्निक है, अब अनकंट्रोल टेक्निक्स में भी तमाम टेक्निक्स आती हैं। पहली जो टेक्निक है दैट इज स्टोन हैमर टेक्निक, स्टोन हैमर टेक्निक, स्टोन हैमर टेक्निक। यहाँ पर स्टोन हैमर टेक्निक लिख देते हैं। इसी को हम हार्ड हैमर टेक्निक भी कहते हैं, प्री फ्लेकिंग टेक्निक भी कहते हैं। एंड हियर अ बिग स्टोन इज यूज्ड एज ए हैमर टू हिट द अनदर स्टोन। ओके, तो यहाँ पर एक बड़ा स्टोन जो है
वो एक छोटे स्टोन को इससे हिट कराया जाता था, तो इस बिग स्टोन को एज ए हैमर यूज किया जाता था और इस स्टोन पर हमें टूल बनाना है। तो इस बड़े स्टोन से छोटे स्टोन पर हिट किया और इससे हमें इसमें हमें टूल बनाना है, तो ये स्टोन हैमर टेक्निक हो गई। बिकॉज हियर स्टोन इज यूज एज ए हैमर, देयरफॉर इट इज नोन एज स्टोन हैमर टेक्निक। एंड बिकॉज स्टोन इज हार्ड इन प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज हार्ड हैमर टेक्निक। एंड आल्सो बिकॉज हियर प्री फ्लेकिंग इज डन ऑन द स्टोन, क्योंकि यहाँ पर अनकंट्रोल्ड वे में स्टोन इसको हिट करेगा और प्री फ्लेक्स यहाँ पर डिटैच होंगे और कोर टूल बनेगा, इसीलिए इसको स्टोन हैमर टेक्निक कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट टेक्निक है इसमें अनकंट्रोल्ड में, वो क्या है, बाइपोलर टेक्निक है। बाइपोलर, बाइपोलर है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, जिसको कि हम बाद में आपको नोट्स या पीडीएफ दे देंगे। तो बाइपोलर टेक्निक है जिसमें कि फिक्स्ड एनविल होता है, फिक्स्ड एनविल यहाँ पर जमीन पर ग्राउंड पर एक फिक्स्ड स्टोन रखी रहती है, तो खूंटा जैसे जिसको कहते हैं आप, फूटे पे जो है एक स्टोन जिस पे काम करना है उसको रख दिया। अब इस स्टोन पर एक बड़ा स्टोन हैमर के रूप में आएगा या दूसरा स्टोन इसको हिट करेगा जो कि एक फिक्स्ड एनविल पर रखा हुआ है। तो ये स्टोन, ये जो ब्लॉक है, मतलब ये स्टोन जो हैमर के रूप में हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर एक स्टोन रखा हुआ है एक फिक्स एनविल पर जिसपे हमें टूल बनाना है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डायरेक्ट अनकंट्रोल्ड टेक्निक। और यहाँ पर भी कोर टूल और फ्लैक टूल दोनों बनाए जाते हैं इस टेक्निक से। एंड देन कम्स द, दिस इज द बाइपोलर टेक्निक। एंड देन कम्स द ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक। एंड ब्लॉक ऑन ब्लॉक में थोड़ा सा इससे अंतर है। यहाँ पर क्या करे, जिस स्टोन पर टूल बनाना है उसको दूसरे स्टोन पे, मतलब उसको एनविल से, एनविल जो कि यहाँ पर खूटा है जमीन पर कुछ रखा है ऑब्जेक्ट जो कि फिक्स है, ठीक है। अब इस स्टोन पर हमें काम करना है, इस पे टूल बनाना है, ये कोर है, और इस कोर या फ्लेक पे जिस पे हमें टूल बनाना है इसको हम इस एनविल से स्ट्राइक कराएंगे और इसमें जो फ्लेक्स डिटैच होंगे वही टूल बन जाएगा। तो जो बचेगा वो रिमेनिंग कोर हो जाएगा और यहाँ पर फ्लेक्स डिटैच को एज ए टूल हम यूज करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ टेक्निक विच वर यूज बाय ड्यूरिंग द लोअर पैलिथिक एंड मिडिल पैलिथिक कल्चर फॉर मेकिंग टूल्स। देन कम्स अदर टेक्निक्स, अनकंट्रोल्ड टेक्निक्स लाइक डायरेक्ट परकशन एंड अनकंट्रोल्ड टेक्निक, जिसमें कि सिलेंडर हैमर टेक्निक आती है। सिलेंडर हैमर को बोन हैमर टेक्निक भी कहते हैं। सिलेंडर हैमर टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज बोन हैमर टेक्निक। वाई बोन हैमर टेक्निक और सिलेंडर हैमर टेक्निक कहने के पीछे कारण क्या है, कि बोन जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। बोन आर सिलेंड्रिकल, अपर और लोअर बॉर्डर क्या होते हैं, इनके दोनों एंड्स क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, इसीलिए इसको सिलेंडर हैमर टेक्निक कहते हैं। और यहाँ पर जिस टूल पे हमें टूल पे वर्क करना है, जिसको टूल बनाना है, जिस स्टोन पर टूल बनाना है उसको हम सिलेंड्रिकल हैमर से स्ट्राइक कराते हैं। तो यहाँ पर बोन को या वुडन हैमर एक यूज कर लिया जो कि सिलेंड्रिकल शेप की है, तो उससे हम स्ट्राइक करा देते हैं और इसीलिए और इस पर्टिकुलर स्टोन पर या बोन पर टूल बनता है उसी को हम एज ए टूल यूज करते हैं। बिकॉज हियर हैमर इज यूज दैट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, दैट इज वाई सिलेंड्रिकल हैमर टेक्निक। इट इज ऑल्सो नोन एज हॉलो हैमर टेक्निक, बिकॉज बोन जो होती है अंदर से हॉलो होती है, तो इसलिए इसको हॉलो हैमर टेक्निक भी कहते हैं, हॉलो हैमर टेक्निक भी कहते हैं। और इन कंपेरिजन टू स्टोन हैमर इट इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट हैमर टेक्निक, बिकॉज स्टोन इज हार्ड एंड बोन एंड वुड आर सॉफ्ट इन कंपेरिजन टू स्टोन, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट हैमर टेक्निक। तो दे आर थ्री नेम्स ऑफ द सेम टेक्निक, सिलेंडर हैमर, हॉलो हैमर एंड सॉफ्ट हैमर टेक्निक। ओके, तो दिस टेक्निक वॉज यूज ड्यूरिंग द लोअर मिडिल पैलोथिक, मीन्स लेट लोअर एंड मिडिल पैलोथिक कल्चर फॉर मेकिंग हैंड एक्सेस, स्क्रैपर्स, क्लीवर्स एक्सेट्रा। देन कम्स अ नेक्स्ट टेक्निक, नेक्स्ट टेक्निक आती है प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक वॉज यूज ड्यूरिंग द अपर पैलोथिक कल्चर एंड फॉर मेकिंग आर्ट एंड ब्लेड्स, ये सब बनाने के लिए, और किसी भी स्टोन पर वो जिससे वर्क करना होता था किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, जिसमें कि बोन वुड या दूसरे ऑब्जेक्ट से, वो छोटे छोटे एनग्रेविंग्स करते थे, प्रिंटिंग
रिटचिंग्स करते थे इसके साथ और पूरे कंट्रोल के साथ करते थे। तो ये प्रेशर फ्लिकिंग एक कंट्रोल्ड परकशन टेक्निक है, डायरेक्ट तो है पर कंट्रोल परकशन टेक्निक, इट इज अ डायरेक्ट बट कंट्रोल परकशन टेक्निक। तो अभी तक हम डायरेक्ट अनकंट्रोल परकशन बता रहे थे, डायरेक्ट में कंट्रोल में सिलेंडर हैमर भी आती है और प्रेशर फ्लिकिंग भी आती है, ठीक है। तो डायरेक्ट अनकंट्रोल में आती है स्टोन हैमर, बाइपोलर एंड ब्लॉक अनब्लॉक, एंड डायरेक्ट कंट्रोल्ड में आती है सिलेंडर हैमर टेक्निक एंड प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक, ओके। तो हियर आल्सो विद द हेल्प ऑफ स्टोन और बोन एज अ हैमर दे मेक सर्टेन, यहाँ पर तेजी से प्रहार नहीं करते थे और छोटी छोटी इंग्रेविंग्स या कार्विंग्स के लिए या ब्लेड टूल्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते थे। तो ये हो गया प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। एंड नेक्स्ट टेक्निक है टॉर्टवाइज कोर, ये लिब्रलाइजियन फ्लेक टेक्निक आती है। और ये जो लिब्रलाइजियन फ्लेक टेक्निक है, टॉर्टवाइज कोर टेक्निक आती है, इसमें एक बिग स्टोन पर ऑल अराउंड बॉर्डर वो पहले वो कर लेते थे, मीन्स फ्लेक्स डिटैच कर लेते थे, जो कि लिब्रलाइजियन ट्रेडिशन के समय या मिडिल पैलिथिक कल्चर का एक ट्रेडिशन, वहां पर स्पेशली ये बनाई गई। और इस टेक्निक से उन्होंने स्क्रैपर्स, बोरर्स, ब्यूरिन्स बनाए। तो इस तरह ये एक टेक्निक थी जिसमें कि मोस्टली स्क्रैपर्स इस टेक्निक से बनते थे। और क्योंकि यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया गया कोर बिफोर मेकिंग अ टूल, कोर इज प्रिपेयर, ये कोर है, स्टोन है, मेन स्टोन जिसपे टूल बनाना है, इसलिए ये कोर है। और कोर पर ही जब हमने प्रिपेयर कर लिया, इसलिए इसको प्रिपेयर्ड कोर टेक्निक भी कहते हैं। This technique is also known as prepared core technique. And because it looks like tortoise या turtleback type दिखता है, इसीलिए इसको turtleback technique या tortoise core technique कहते हैं। तो जब ये prepared core हो जाता है, तो एक blow, final blow यहाँ पर इसकी surface पे मारा जाता है और एक detach हो जाता है यहाँ से फ्लेक। तो जब यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पर मारेंगे, तो इस तरह का कुछ जो है फ्लेक डिटैच हो जाएगा, ओके। तो ये एज ए स्क्रैपर बाद में हम यूज कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ टेक्निक, प्रिपेयर्ड कोर टेक्निक, लिब्रलाइजियन टेक्निक, टॉर्टवाइज कोर टेक्निक या टर्टल बैक टेक्निक कहते हैं इसको। इट इज मिडिल पैलिथिक टेक्निक, ऑल्सो टूल्स वर मेड विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक ड्यूरिंग द अपर पैलिथिक कल्चर। देन फ्लूटिंग टेक्निक आती है जिसको प्रिज्मेटिक कोर टेक्निक भी कहते हैं, और इसमें भी जो है कोर्स मतलब ब्लेड टूल्स बनाए गए ड्यूरिंग द मेसोलिथिक कल्चर। दिस टेक्निक वाज यूज्ड ड्यूरिंग द मेसोलिथिक कल्चर। एंड यहाँ पर फ्लूटेड मीन्स जो वो इस लॉन्ग ब्लेड्स पर ये लॉन्ग इस तरह की ग्रेव्स ग्रूव्स पाई गई, और इस तरह की ये टेक्निक्स है जिसमें कि लॉन्ग फ्लूटेड ग्रूव्स पाई गई, और इसीलिए क्योंकि इट लुक्स लाइक फ्लूटेड ग्रूव्स, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फ्लूटिंग टेक्निक, और इसको फ्लूटिंग टेक्निक्स कहा जाता है। तो इस तरह ब्लेड्स यहाँ से डिटैच की गई इस टेक्निक से, तो ये फ्लूटिंग टेक्निक हो गई। देन इनडायरेक्ट परकशन में, अभी तक डायरेक्ट परकशन की बात हो रही थी, अब इनडायरेक्ट परकशन और कंट्रोल्ड परकशन की बात करते हैं। इनडायरेक्ट कंट्रोल्ड परकशन टेक्निक है पंचिंग टेक्निक, पंचिंग टेक्निक। और पंचिंग टेक्निक भी आपको अपर पैलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर में मिल जाएगी, मोस्टली ये मीसोलिथिक कल्चर की ही टेक्निक है। और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट पंचर का इस्तेमाल करते हैं, इंटरमीडिएट पंचर, हियर अ मैन इज यूज्ड हिज हैंड्स, वो अपने हैंड्स में पकड़ा हुआ एक इंटरमीडिएट पंचर, एंड हियर अ स्टोन इज स्टोन और बोन ऑन विच अ टूल इज टू बी मेड। तो ये एक इंटरमीडिएट पंचर है, और यहाँ से मतलब यहाँ पर एक कुछ और रखा हुआ है, ये कुछ और रखा हुआ है, एक छोटा सा एक चीज रखी हुई है, ये हैमर है, यहाँ पर कुछ इंटरमीडिएट पंचर है, और ये मेन कोर है या फ्लेक है जिस पर टूल बनाना है। तो ह्यूमन ने मतलब जो वर्कर है, जो आर्टिशियन, वो क्या करेगा, यहाँ पर इसको ब्लो करेगा, इस पे इस हैमर से या जो भी इसने हाथ में लिया हुआ से हिट करेगा इस इंटरमीडिएट पर, और ये इससे जो ब्लो करेगा प्रेशर, वो इस पर्टिकुलर स्टोन या फ्लेक पर जाएगा, और फिर उससे फ्लेक्स या रिटचिंग, फ्लेक्स डिटैच होंगी या रिटचिंग होगी। तो इसलिए इसको पंचिंग टेक्निक कहते हैं। एंड देन ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टेक्निक, जो फाइनल टेक्निक नियोलिथिक कल्चर की है, यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी टूल्स हमें मिले लोअर पैथिक कल्चर में, हमने स्टोन हैमर या बोन हैमर टेक्निक से जो भी टूल बनाई,
बनाए, या ब्लेड टूल्स हमने और लोअर मिडिल एनापर पेल्थिक में स्क्रैपर्स और ये जो कुछ भी बनाया है उसमें क्या करना है, बस हमको पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग करना है. मीन्स एक स्टोन स्लैब पर थोड़ा पानी छिड़क छिड़क कर इसी टूल को वो यहाँ पर ग्राइंड करते थे, थोड़ा घिसते थे तो उससे थोड़ा सा चिकनाहट आ जाती थी, थोड़ा शार्पनेस आ जाती थी टूल्स में. एंड देन वो पॉलिश पॉलिश करना, मतलब ये किसी पेंट से पॉलिश करना नहीं है, यहाँ पर वो करते थे किसी वो कोई एक ऐसा मटेरियल होता था, ऑयली सब्सट्रेट होता था, जिससे कि वो उस टूल के ऊपर पूरा उसको कवर करते थे. मीन्स टूल को उससे रंगते थे, कवर करते थे एक प्रकार की, उसको लेप लगाते थे और इस तरह वो टूल पॉलिश्ड टूल्स कहलाता है. तो पॉलिश्ड एंड ग्राइंडेड टूल्स आपको मिलेंगे न्यूलिथिक कल्चर में. और रिंग स्टोन्स होते हैं न्यूलिथिक कल्चर में जो भी पॉलिश्ड, ये यूजली हैंड मीन्स कुछ दूसरे टूल्स को रखने के लिए भी यूज किए जाते रहे होंगे. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. और जो भी आपको इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए सॉरी. नेक्स्ट सेशन में ध्यान रखूंगी. धन्यवाद. Meet you in next video. धन्यवाद.